आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं मौखिक परीक्षा। इससे पूर्व हमने उपलब्धि परीक्षाओं के बारे में पढ़ा था, शिक्षक निर्मित और प्रमापित परीक्षणों की तुलना भी करी थी। तो आज हम देखते हैं मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट। एक समय ऐसा था जब विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में मौखिक परीक्षाओं की प्रधानता थी। आधुनिक युग में लिखित परीक्षाओं का प्रचलन होने के कारण इनका महत्व कम हो गया है। फिर भी प्राथमिक कक्षाओं और उच्च कक्षाओं में विज्ञान के साथ समाजशास्त्र या जिसे हम सोशल वर्क कहते हैं और एजुकेशन यानी शिक्षा के विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाओं एवं वाइवा जिसे हम वाइवा या मौखिकी कहते हैं के रूप में अब भी इसका अस्तित्व शेष है। मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए राइट स्टोन ने कहा था कि मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो पर छात्रों को अंक प्रदान करने के लिए एक निम्न साधन है। इसका महत्व केवल निदानात्मक साधन डायग्नोस्टिक टूल के रूप में और उन परिस्थितियों में है जिनमें लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन इन मॉडर्न एजुकेशन के पेज नंबर 113 पर कही थी। दूसरा पढ़ते हम निबंधात्मक परीक्षा। ये क्या होता है? ऐसे टाइप टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है। इन्हें शिक्षक बनाता है, इनके प्रश्नों का उत्तर लिखने के रूप में देना पड़ते हैं, इसलिए इनको निबंधात्मक परीक्षण कहते हैं। हमारे देश में निबंधात्मक परीक्षा का ही प्रचलन है। इस परीक्षा प्रणाली में छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं जिनके उत्तर उनको निर्धारित समय में लिखना पड़ता है। इस आधार पर हम इनकी जो विशेषता है निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के उत्तम गुणों का इतना बाहुल्य है कि वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद भी इसकी लोकप्रियता में कोई विशेष कमी नहीं है दिखाई देती है। इस प्रकार के इसके जो गुण है या विशेषता है वो पहली है सब विषयों के लिए उपयोगी। यह प्रणाली विद्यालय के सब विषयों के लिए उपयोगी है। ऐसे एक भी विषय का संकेत नहीं दिया जा सकता है जिनके लिए प्रणाली का लाभप्रद ढंग से प्रयोग न किया जा सके। उत्तर व भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता। यह प्रणाली बालकों को प्रश्नों के उत्तर और उनके संबंध में अपने भावों का प्रकाशन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इन दोनों बातों में ऊपर लिखित किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। शिक्षक की सुगमता। यह प्रणाली शिक्षक के लिए अत्यधिक सुगम है क्योंकि वह प्रश्नों की रचना थोड़े ही समय में और बिना किसी विशेष प्रयास में कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उनको बोल सकता है या शाम पट पर लिख भी सकता है। अगला है बालकों की सुगमता। यह प्रणाली बालकों के लिए भी सुगम है क्योंकि इसमें ऐसे कोई विशेष निर्देश नहीं होते जिनको समझने में उनको किसी प्रकार की कठिनाई हो। बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा। इस प्रणाली में प्रयोग करने से बालकों की तथ्यात्मक ज्ञान की अति सरलता से परीक्षा ली जा सकती है। बालकों की विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा। इस परीक्षा का प्रयोग करके बालकों की लगभग सभी प्रकार की योग्यताओं की परीक्षा ली जा सकती है, जैसे विचार, संगठन, विवेचना, अभिव्यक्ति, संबंध, चिंतन, तार्किक लेखन आदि। बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। यह प्रणाली शिक्षक को बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। वह उनके उत्तरों को पढ़कर उनसे संबंधित विषयों में उसकी उपलब्धियों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर इसके कुछ दोष भी हैं। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के अनेक दोषों पर प्रकाश डाला है, उनको अनुपयुक्तता प्रमाणित करने के प्रयास किए हैं। इनमें से पहला है सीमित प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली का सर्वप्रथम दोष यह है कि विषय का सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें संपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। विषय के ऐसे अनेक भाग होते हैं जिन पर भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रणाली की इस निर्बलता का लाभ उठाकर छात्र थोड़े से ही प्रश्नों का चयन करके रट लेते हैं।
इस निर्बलता का मुख्य कारण है प्रश्नों की सीमित संख्या। 5 या 10 प्रश्न संपूर्ण विषय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वैधता का अभाव। अगला आता है वैधता का अभाव। इस प्रणाली में वैधता का स्पष्ट अभाव है। वैधता से तात्पर्य यह है कि परीक्षा उन गुणों, तथ्यों और कुशलताओं की जांच करे जिनकी जांच करना उसका ध्येय है। अनेक अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि निबंधात्मक परीक्षा वास्तव में विषय का ज्ञान की जांच न करके बालकों की भाषा, लेखन शक्ति आदि की जांच करती है। अगला है विश्वसनीयता का अभाव। इस प्रणाली में जो अंक प्रदान किए जाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यदि एक छात्र को एक ही उत्तर पुस्तिकाओं में दो परीक्षक अगर जांचे और एक ही शिक्षक कुछ समय व्यतीत होने के बाद या कभी भी अगर जांच करता है तो अंकों में दोनों में कोई ना कोई अंतर आता है। परीक्षा की विश्वसनीयता तभी कही जा सकती है जब छात्रों को उनके उत्तरों के लिए सदैव समान अंक प्राप्त हो। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की इस दृष्टिकोण से विश्वसनीयता नहीं कही जा सकती है। भविष्यवाणी का अभाव। इस प्रणाली में परिणामों के आधार पर छात्रों के भविष्य के संबंध में किसी प्रकार का निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि अंकों की प्राप्ति करने के जो तरीके हैं वो है रटने की शक्ति, लेखन की शक्ति, अभिव्यंजना, सुलेख, उपयुक्त भाषा व संयोग पर निर्भर करती है, जिसके कारण इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अंकों की विविधता। इस प्रणाली में प्रदान किए जाने वाले अंकों की विविधता पाई जाती है। इस संबंध में अनेक अध्ययन हुए। उदाहरणार्थ स्टार्च इलियट ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि जब 142 शिक्षकों से अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं को जचवाया गया तो उनके द्वारा प्रदान किए गए जो अंक थे वो 50 से 98 के बीच में थे, यानी कि हर एक में विविधता थी। आत्मनिष्ठता। इस प्रणाली में आत्मनिष्ठता की प्रधानता पाई जाती है, जबकि अच्छे परिणाम के अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। इसमें उत्तरों के अंकन के लिए परीक्षक को विचारों, धारणाओं, मानसिक स्तर, मनोदशा, अभिवृत्तियों आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के समान कोई उत्तर तालिका की नहीं होती, जिसका आधार बनाकर सभी परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कर सके। कुछ परीक्षक सदृढ़ होने के कारण अधिक अंक प्रदान करते हैं, कुछ कठोर होने के कारण कम अंक, कुछ आलसी और लापरवाही होने के कारण उत्तरों को पढ़ते ही नहीं वरन अव्यवस्थित ढंग से अंक प्रदान कर देते हैं। इन कारणों से भी इस प्रणाली को आत्मनिष्ठता की मात्रा अधिक मिलती है। अंकन में अधिक समय। इस प्रणाली में छात्रों द्वारा दिए जाने वाले उत्तर काफी लंबे होते हैं, जिनको आखिरी तक पढ़ना या उचित ढंग से मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है। न केवल अधिक समय लगता वरन शक्ति भी अधिक लगती है। स्टांगकर ने लिखा है अपनी पुस्तक एजुकेशन मेजरमेंट में लिखा है कि भली प्रकार से लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालिक और कठिन कार्य है। इसके उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हमने निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोनों पक्षों का अध्ययन किया है। इनसे गुण भी है, दोष भी है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसकी उपादेयता को चुनौती नहीं दे सकते। इसके संबंध में एलिस ने कहा है कि निबंधात्मक परीक्षाएं छात्रों की मौलिकता का अवसर देती है और उनकी तर्क शक्ति की जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की अपेक्षा इनका प्रयोग साधारणतः अधिक सरल होता है।